दिवाकर भौजी गर्ल्स मिलने का एकमात्र स्थान जहाँ मिलेंगे फैंसी ड्रेस, जीन्स टॉप, लेगी कुर्ता प्लाजो कुर्तिया, वो भी नए नए डिजाइन में, एक बार अवश्य बता रहे। बेल्डवर्स न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को विकास अग्रवाल का नमस्कार। दमोह शहर के आसपास की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, जिससे आपको हर खबर का तुरंत अपडेट मिलता रहे। आइए नजर डालते हैं बड़ी खबर पर। दमोह न्यायालय ने 400 BC के केस में एक बड़ा फैसला सुनाया है, जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष, CMO और सप्लायर को EW मामले में सुनवाई सजा। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश की अदालत ने सभी आरोपियों को EOW 420 मामले में सजा सुनाया, जिसमें बरसा केवट, पूर्व अध्यक्ष नगर परिषद तेंदुखेड़ा, CMO को भ्रष्टाचार अधिनियम में 7-7 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। वहीं एक आरोपी को 2 वर्ष की सजा सुनाई गई। वहीं 2,20,000 रुपये के भी जुर्माना किए गए। इस संबंध में क्या कहना है अभियोजन का, सुनते हैं विस्तार से। इस प्रकार से है, मामला तेंदुखेड़ा का है। तेंदुखेड़ा में नगर अध्यक्ष परिषद के जो बसपा किलवट नगर पालिका अध्यक्ष थी एवं CMO नारायण पांडे थे, इन लोगों के द्वारा एक जनरेटर एवं ऑटो की खरीदी की गई थी। खरीदी के दौरान जो शासन से क्रय करने हेतु शासन से पैसा दिया गया था, उस पैसे को लेकर इन दोनों के द्वारा उसका क्रय किया गया था, बिलिंग बनाई गई थी। क्योंकि जितने में खरीदे हुए सामग्री थी, जैसे कि ऑटो, जनरेटर, जिनका बिल जितना भुगतान करना था उससे अतिरिक्त भुगतान किया गया था, तो शासन का जितना भी पैसा वहां से निकाला गया था उसका अतिरिक्त भुगतान करके और उस पैसे का गबन किया गया था, जिससे मामला तैयार हुआ। तैयार होने के बाद मामला पंजीबद्ध किया गया। पंजीबद्ध बाद इस मामले में विचारण हेतु धारा 420, 409, 466, 468, 471, 120B, 13(1)(b), भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का मामला पंजीबद्ध किया। पंजीबद्ध मामला होने के बाद विचारण माननीय न्यायालय के समक्ष रखा गया, जो आज दिनांक को माननीय न्यायालय द्वारा बरसा केवट को प्रत्येक धारा में, जैसे कि 420 में 3 वर्ष का कारावास, 468 में 7 वर्ष का कारावास, 471 में 7 वर्ष का कारावास, 409 में 7 वर्ष का कारावास, 120B में अपसरण में 3 वर्ष का कारावास, 13(1)(d) भ्रष्टाचार निवारण में 7 वर्ष का कारावास नगर अध्यक्ष बरसा केवट को सुनाई। इसी प्रकार सभी सेक्शन में 10,000, 50,000, 50,000, 50,000, 10,000 ऐसा 50,000 करके जुर्माना भी किया गया। इनके साथ सहअभियुक्त जो थे नित्यानंद पांडे, इनको भी प्रत्येक धाराओं में सेम सजा दी गई। किस पोस्ट पर? CMO। और इन्हीं के साथ साथ इनको उतना ही जुर्माना किया गया। उन्हीं के साथ साथ और भी जो सहअभियुक्त थे इनको भी प्रत्येक धाराओं में सेम 7 साल, 3 साल, 7 साल, 7 साल, प्रत्येक हर सेक्शन दोषित किया गया एवं जुर्माना किया गया। एक सजा भी, कुल 4 लोगों को सजा की गई, इनमें से एक और व्यक्ति था जिसको जुर्माना से दंडित किया गया। कितने साल की सजा, कितना जुर्माना हुआ? जुर्माना टोटल प्रत्येक धाराओं के 7 साल, 3 साल ऐसे करके प्रत्येक धाराओं में अलग अलग बिंदुवार सजा घोषित किया गया। किसी को छोड़ा नहीं, उस व्यक्ति को छोड़ा नहीं गया।